ଫଳିଛି ବିଭିନ୍ନ କିସମର ଆମ୍ବ, ପିଜୁଳି, ସପୁରି ଓ ବେଲ ଭଳି ଫଳ। ଲ୍ୟାବରେ ଚାଲିଛି ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା। ଏ ଦୃଶ୍ୟ କେଉଁ କ୍ଷେତର ନୁହେଁ, ଏହା ହେଉଛି ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଇଗିଣିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଉଦ୍ୟାନ ପରୀକ୍ଷଣ କେନ୍ଦ୍ର ପରିସରର ଚିତ୍ର। 1992 ମସିହାରୁ ଏଠାରେ ଫଳ ଓ ପନିପରିବାର ଗବେଷଣା ସହ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଛି ତାଲିମ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଓଡ଼ିଶା ସମେତ ଆନ୍ଧ୍ର, ଛତିଶଗଡ଼, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଭଳି ରାଜ୍ୟରୁ ଚାଷୀ ଆସି ଏଠାରୁ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ନେଇଥାନ୍ତି। ଚାଷୀଙ୍କ ରହିବା ଓ ଖାଇବା ପାଇଁ ଏଠାରେ ମାଗଣା ହଷ୍ଟେଲ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଜଣେ ଚାଷୀ କିପରି କମ୍ ଜମିରେ ଅଧିକ ଅମଳ କରିବା ସହ ଲାଭବାନ ହୋଇପାରିବେ, ସେ ନେଇ ଏଠାରେ ତାଲିମ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ। और हमारा जो केंद्र है ये मुख्य रूप से फल और सब्जी पर काम करता है। जहाँ तक फल पर की बात है, हम लोगों का तीन एस्पेक्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है। एक को कहते हैं हम लोग के जर्मप्लाज्म कैरेक्टराइजेशन इवेल्युएशन, और उसमें से जो अच्छे हमारे जर्मप्लाज्म मिलते हैं, चाहे वो आम का हो, चाहे वो सीताफल का हो, चाहे वो किसी और भी फल का हो, उसको हम किस तरह से वैरायटी के तौर पर किसान के लिए आगे ले सकते हैं, जिससे कि जो वैरायटी डेवलप हो वो उसमें पैदावार की क्षमता ज़्यादा हो। और ये भी हम देखते हैं कि वो थोड़ा अर्ली पकने वाली जो है फल हो, ताकि किसानों को ज़्यादा ज़्यादा फायदा हो सके। तो आम के बीच में हमारे पाइनएप्पल का एक बहुत अच्छा मॉडल है, जिससे कि लगभग 2.5 से 3 गुनी ज़्यादा इनकम किसानों को मिल सकता है। ଚଳିତ ବର୍ଷ ପ୍ରାୟ 4000 ଚାଷୀ ଏଠାରେ ତାଲିମ ନେଉଥିବା ବେଳେ ଆମ ରାଜ୍ୟର 2000 ଚାଷୀ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ନେଇ ଉପକୃତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ଉନ୍ନତ କିସମର ବିହନ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନେଇ ଗବେଷଣା କରନ୍ତି ବୈଜ୍ଞାନିକ, ଯାହା ଚାଷୀଙ୍କୁ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଥାଏ। କୃଷି ସମ୍ବନ୍ଧ ଗବେଷଣା ପାଇଁ ଏଠାରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଲାବରେଟୋରୀ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଯେଉଁଠି ଚାଷୀ ଭାଇଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନରାତି ଗବେଷଣାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି ବୈଜ୍ଞାନିକ। ତୋ ଏଇ ସଂସ୍ଥା କା ସ୍ଥାପନା ଆମର 1992 ମେ ହୁଆ ଥା। और लगभग 30 साल में हम लोग कई सारे टेक्नोलॉजीज यहाँ से डेवलप किए हैं, जो टेक्नोलॉजीज हमारा जो किसानों है इसको व्यवसाय के रूप में अपनाया है। जैसे हम लोग इस 30 साल में लगभग 30 साल में हम लोग ने कई सारे किस्मों डेवलप किया है जो हमारा क्षेत्र के लिए अच्छा है। जैसे मांग आम के किस्म है, कस्टर्ड एप्पल के किस्म है, इसका परवाल है, काकरोल का किस्म है, बैगन की और जो मिर्ची का किस्म हम लोग डेवलप किया, सेम में एक अच्छा प्रोटीन रिच जो एक किस्म डेवलप किए हैं, अमरंथ साग में भी कई सारे 3-4 किस्म हम लोग डेवलप किए हैं जो हमारा क्षेत्र के लिए अच्छा देता है। इसके अलावा जो किस्म के अलावा हम लोग कई सारे टेक्नोलॉजीज और डेवलप किए हैं, जैसे आप लोग का पेरिनल फ्रूटेज में कैनोपी कैसे मैनेजमेंट करेंगे, इसको कैसे काट छट करेंगे कैनोपी में, जो अच्छा फ्रूट दे, क्वालिटी फ्रूट्स दे, इसके लिए हम लोग यहाँ पे स्टैंडर्डाइज किए हैं। युग बदलुवा बेले एवं निजकु अपडेट करुछंती चासी, प्रशिक्षण नेवा सह उन्नत बिहन रे चाष करी होई परुछंती लाभवान। आगामी दिन रे एठारु अनेक सफल चासी बाहरिबा सह आत्मनिर्भर होई परिये बोली आशा ओ विश्वास रखिछंती एठाकर वैज्ञानिक माने। भुवनेश्वर कैमरा पर्सन सुमंत साहू को सह सतरूपा सामंतराय, अर्गस न्यूज।